बहुत है ना? हाँ खा ले खा ले, ऐसे लग रही है जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे खा ले ना। हाँ खा ले। अरे पागल है क्या, फेंक क्यों दिया? लगती तो किसी ठीक ठाकर की है पर शायद खो गई है। चल इसे पुलिस स्टेशन में दे आते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों बे मतलब पुलिस के चक्कर में पड़ना? अरे पागल क्या कर रही हो, धंधा खराब करेगी क्या? सारी मूर्ति खराब कर दी है। क्या हुआ क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ क्या हुआ? नमस्ते, मैंने कुछ पैम्पलेट्स दिए थे छपवाने के लिए। बैठिए। टोटू इनका माल निकाल। 1000 रुपये, ये 450 है। अभी मेरे पास इतने ही है लेकिन मैं कल तक आपके पूरे पैसे दे दूंगा। भाई साहब तो पैम्पलेट भी आप कल ही ले जाना। सॉरी उधार का कोई काम नहीं करते हम। गौर से देखो इस लड़की को, किसी को अपना नाम भी नहीं बता सकती है। 4 दिन से लापता, और ये मेरी बेटी। अरे तो मैं क्या करूं? आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, मेरा दिल क्यों खोटा कर रहे हो आप? मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि कल आपके बाकी के पैसे दे दूंगा। कुछ रखने के लिए है? रखने के? हाँ ये घड़ी छोड़ दो, कल जब पैसे लाओगे तो ले जाना। कौन है ये? भगवान जाने कौन है, दुकान में आई थी और बेहोश हो गई। हाँ साथ में कोई नहीं था? अकेली थी, लगता है खो गई है। आइए डॉक्टर साहब, आइए 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 डॉक्टर साहब, बैठिए। क्या हुआ इसे? बताएं डॉक्टर साहब, मेरी दुकान में आई थी, थोड़ा डांटा और बेहोश हो गई। अच्छा किया आपने जो आप इसे यहाँ लेके आए, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है, लगता है इसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उसे मंगवा दीजिए। जी। और हाँ जब इसे होश आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, इसे पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, शायद वहाँ इसके माता पिता का कुछ पता चल सके, वो लोग भी इसे ढूंढ रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी फीस? रघु एक बेसहारा बच्ची का इलाज करवा कर मुझसे पुण्य करवाया है तुमने, मैं इसकी फीस क्या लूंगा? होश में आ जाए तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, नमस्कार। 15 साल पहले माँ बाबा को हमसे छीन लिया तुमने, मैंने कुछ नहीं कहा, विश्वास था मुझे तुम पर, सारी जिंदगी लड़ता रहा आरती की परवरिश के लिए, मेरे उसूलों के लिए, सच के लिए। थक गया मैं लेकिन कभी तुमसे शिकायत नहीं की, कभी नहीं। अंतरा के आने से मेरा परिवार बिखर गया, फिर भी मैं कोशिश करता रहा, खड़ा रहा। जैसे जैसे मुझ पर मुश्किलें बढ़ती गई मेरा विश्वास और बढ़ा, इस विश्वास को मैंने कभी कम नहीं होने दिया। मैं मानता हूं कि मैं गुनेगार, मानता हूं विद्या का, अभिषेक का, तुम्हारा, लेकिन उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। मेरी अंतरा लौटा दो भगवान, मेरी अंतरा लौटा दो।